सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के लोगों को सौगात देंगे, जहां प्रधानमंत्री आज लोगों को सौगात देंगे। आपको बता दें कि मोदी आज बीजेपी के साथ देश भर की सभी राज्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवनिर्मित डेमू असम को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां पर पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, वहीं नव विद्युत खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। असम को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। असम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को आज रवाना करेंगे, वहीं नव विद्युत खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जहां प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, नव विद्युत खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा नव निर्मित डेमू मेमूर सेट का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और पूर्वोत्तर में सामाजिक आर्थिक विकास को समृद्धि करेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने को लेकर मुझे खुशी हो रही है। ये अत्याधुनिक ट्रेन गति, आराम और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। दिल्ली में आज जबरदस्त सियासी का हलचल का दिन है। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस हाईकमान फुल एक्शन में है और दिल्ली से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही बैठक में केजरीवाल की अपील पर फैसला लिया जाएगा और ये तय होगा कि दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश का कांग्रेस संसद में विरोध करेगी या नहीं। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी हाईकमान मीटिंग करेगा, जिसमें कई बड़े फैसले होने हैं। इन तीनों मीटिंग में खड़गे रहेंगे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की आज बहुत बड़ी बैठक, हाईकमान की बैठक है। कांग्रेस की ट्रिपल मीटिंग जारी रहेगी। राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर हाईकमान की कांग्रेस की बैठक है, जिसमें खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस आज बैठक में ये भी तय करेगी कि केंद्र में जो अध्यादेश कानून लाया जा रहा है उसका समर्थन करना है या नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से आज बड़ी बैठक है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की हाईकमान की मीटिंग है, जिसमें ये भी आज तय किया जाएगा कि केंद्र में जो अध्यादेश कानून लाया जा रहा है उसका समर्थन करना है या नहीं। बता दें कि कांग्रेस की बड़ी बैठक में आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी आज शामिल होंगे। दिल्ली में ये मीटिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, आज कांग्रेस की हाईकमान की मीटिंग है दिल्ली में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल नंदिनी, यहाँ बैठक बहुत जरूरी है और बैठक के माध्यम से ही यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। उसकी तैयारियाँ कांग्रेस पार्टी में लगातार हम देखते आ रहे हैं। अभी हाल में हिमाचल जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, एक प्रकार संजीवनी उनको मिली, उसके बाद कांग्रेस लगातार मुखर हो चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पर संसद भवन के उद्घाटन पर भी यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया, सियांगुल के जो जिस तरह से हस्तांतरण किया गया उस पर प्रयास किया गया घेरने का, और लगातार कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल अग्रणी नज़र आ रही हो। यहाँ पर बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, इसको लेकर यहाँ रणनीति बनाई जाए, किस तरह सत्ता पक्ष को घेरना है और आने वाले समय में किस तरह यहाँ पर एक बेहतर रणनीति बनाकर 24 चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना है। ये महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। गौरव, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में देखिए कर्नाटक में कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की है, तो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है इसको लेकर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, हिमाचल और कर्नाटक की जीत है, संजीवनी फूकी है, उसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात यह है
कि वहां पर तमाम तरह के धार्मिक मुद्दे उठाए गए, बजरंग बली का मुद्दा उठाया गया, बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठाया गया, उसके बावजूद वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की, उसके बाद भी वहां बीजेपी अगर वहां जीत कर नहीं आ पाई है, बहुमत ना ला पाई है, विपक्ष में बैठने का यहाँ पर मौका मिला है, बीजेपी को कहीं ना कहीं हार मिली है, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीवंत भूमिका में नजर आ रही है। और राहुल गांधी की 35-70 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसका भी काफी कुछ लाभ कांग्रेस की छवि सुधारने मिला है। अब आगामी समय में कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के भी संदेश क्या देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल पूछ लिए हैं, बुकलेट भी जारी की है, वो कह रहा है बीजेपी के 9 साल जो कार्यकाल रहा है वो केवल खराब रहा है, उपलब्धियां ना के बराबर है, जनता केवल जुमलों में फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात बड़ी बड़ी होती है, पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब इसी बात को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है, और रणनीति इसी पे रहेगी कि बीजेपी की जो कार्यकाल है उस पर सवाल उठाते हुए जनता के भी संदेश पहुंचाया जाए, जहां एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकाल को बेहतर बेमिसाल बताते हुए काम बता रही है, तो कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीजेपी के कार्यकाल को यहां पर गलत साबित करती नजर आ रही है। गौरव, आज मीटिंग में ये भी फैसला हो सकता है कि केजरीवाल का समर्थन करना है या नहीं अध्यादेश कानून को लेकर। देखो यहाँ पर समर्थन करना कि नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल भी लगातार केंद्र सरकार पर, क्योंकि पहले उनको पोस्टिंग का अधिकार दे दिया दिल्ली सरकार को, बाद में ये मामला गया है कोर्ट में, उसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी करके यहाँ बता दिया है कि जो मामले रहेंगे पोस्टिंग के वो केंद्र सरकार के अधीन रहे, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बेप्रकार से युद्ध छिड़ चुका है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, और आने वाले समय में चूंकि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कहें तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की हठधर्मिता है, हठ है उनका, और जानबूझ कर यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो अधिकार है उसको छीनने का प्रयास कर रहा है और तानाशाही रवैया अपना रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस केजरीवाल के जो एक मामला है, जो अपील है, उस पर कदम उठा सकती है और उसको साथ देते नजर आ सकती है, क्योंकि विपक्ष को लामबंद करना भी जरूरी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो कांग्रेस की आज हाई लेवल की मीटिंग है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है, जिसमें कई अहम बड़े फैसले हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों पर सर्वे शुरू कर दिया है। आपको ये सर्वे 3 स्तरीय हैं, तीनों में से 2 सर्वे में जिन दावेदारों के नाम आएंगे उन्हें पैनल में जगह मिल सकती है, प्रत्याशी चयन में उन्हीं नामों पर मंथन किया जाएगा, तीनों रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए एक एक सीट पर प्रत्याशी का चयन महत्वपूर्ण है, लिहाजा चुनाव से करीब 1 वर्ष पहले ही पार्टी ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे टीम के सदस्य अपनी पहचान छिपाते हुए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाकर मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में उसकी उपस्थिति, जनता से व्यवहार को लेकर अन्य जानकारी एकत्र कर सकते हैं। प्रत्याशी बदलने पर चुनावी स्थिति, संभावित दावेदार, जाति समीकरण का भी आकलन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ विरोचित गौरव श्रीवास्तव एक बार फिर से जुड़ेंगे। गौरव, बीजेपी ने हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है, अब बीजेपी ने एक सर्वे शुरू किया है जिसमें 80 सीटों को जीतने के लिए एक लक्ष्य बना के रखा है और सभी को पहचान छिपा कर जाकर वहां पर सर्वे करने की बात कही है। जी बिल्कुल नंदनी, सर्वे पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, उनके जो पर्यवेक्षक होते हैं वो यहाँ पर अपनी पहचान बदल कर जाते हैं और जनता के बीच जाते हैं और लोग भी पहुँचते हैं और सर्वे इकट्ठा करते हैं, जो वर्तमान विधायक हो या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हो, ये सर्वे हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पर भी त्रिस्तरीय सर्वे की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ सांसद की उपस्थिति, सांसद का व्यवहार, सांसद की जो काम है उनसे जनता कितनी संतुष्ट है उस पर सर्वे किया जा, जाति समीकरण देखे जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि और कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो चुनाव को लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर बात ये कही जा रही है, तमाम पहले भी बात कही गई है, तमाम बड़े नाम को यहाँ टिकट मिल सकता है, तमाम बड़े नाम यहाँ काटे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता के बीच से संदेश बेहतर गया है, क्योंकि हाल में तमाम तरह के प्रकरण ऐसे हुए हैं जिस बीजेपी तमाम सांसदों के ऊपर उंगली उठाई गई है, जिसमें गोंडा सांसद, कैसरगंज सांसद, बजमी सांसद का नाम इसमें
चर्चा में है, पहलवानों के विरोध के चलते वो भी इस समय चर्चा में लगातार चल रहे हैं, तो तमाम लोगों के यहाँ नाम काटे जा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, चुनाव से पहले यहाँ पर मैपुर टेस्टी सर्वे किया जाएगा, सांसद की उपलब्धि, सांसद की व्यवस्था व्यवहार, सांसद निधि के काम, इसके अलावा जो वास्तविक स्थिति क्या है कि जनता पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर जीत जाए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 80 सीट का दावा कर रही है। क्योंकि अगर बता दें नंदिनी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर 2014 की हम बात करें तो बीजेपी को वहाँ पर 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, अगर बात करें बीजेपी गठबंधन को, अगर हम इसी बात करें, अगर हम बात करते हैं 2019 चुनाव की, तो महज यहाँ पर 62 सीट पर जीत हासिल हुई थी, उसके रामपुर आजमगढ़ भी जीत के आए थे, एक सीट अपना दल को यहाँ पर मिली थी, तो लगभग 65 सीटों को यहाँ पर जो जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं जो 14 के मुकाबले बात करें तो 19 में नुकसान हुआ था, पर यहाँ बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी महत्वपूर्ण करनी पड़ेगी, रणनीति महत्वपूर्ण करनी पड़ेगी। और 33 सर्वे के माध्यम से यहाँ पर दावेदारों का भी बात देखी जाएगी, किसका टिकट मिलता है, किसका काटा जाता है, ये भी अहम पहलू रहेगा। गौरव, बताया जा रहा है कि सर्वे जो है छिपकर और पहचान छिपाकर सर्वे किया जाएगा, तो कितनी संख्या में लोगों को तैयार किया गया है कि एक जगह पर ये इतने लोग जाकर वहां पर सर्वे करेंगे? देखिए, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जो सर्वे होता है ये हमेशा पहचान छुपाकर ही होता है। और सर्वे का अगर बात करें तो ये तमाम तरह की जगह होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में सर्वे किया जाता है, जो दुकानें होती है, पान की दुकानें होती है, चाय की दुकानें होती है, जहाँ पर हमेशा यूपी के चुनाव को लेकर, यूपी की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा होती रहती है, वहाँ पर भी टीम जाती है, गाँव में टीम जाती है, वहाँ पर लोगों से चौपाल जमाती है, केवल वहाँ पर पहचान छुपाकर बात करती है कि जनता की राय क्या है। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर पहचान मालूम पड़ जाएगी तो जनता अपनी बात नहीं बताएगी, यहाँ जनता की राय जनता ही बनकर आप ले सकते हैं, और यहाँ पर उन्हीं के रूप में जाने में, उन्हीं के रूप में पहचान छिपाकर जाना महत्वपूर्ण होता है, और उन्हीं से बात करते हुए जानकारी लेनी पड़ती है कि वो वर्तमान सरकार के सांसद खुश है कि नहीं है, सांसद काम कैसा है, सांसद का व्यवहार कैसा है, पब्लिक जनता से मुलाकात होती कि नहीं होती है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और जनता की छवि उनकी कैसी है, तमाम यहाँ पहलुओं पर यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट होती है और तमाम बिंदु उसमें होते हैं। कौन कितनी टीम जाएगी महत्वपूर्ण नहीं है, पर जहाँ पर मेरा मानना है जहाँ पर बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी है, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा की जाएगी, वहाँ पर दावेदारों को चयन में महत्वपूर्ण रूप से तमाम चीज़ों को, बिंदुओं को वहाँ पर गौर किया जाएगा। क्योंकि अगर आपने कहीं कमी देखी या कहीं लापरवाही बरती तो उसका नुकसान आपको लोकसभा की जो सीट है उसको हार कर चुकाना पड़ेगा। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। फोगाट ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। पुलिस का कहना है कि अब पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगी। सुहानी, पहलवानों का धरना प्रदर्शन इस तरीके से, जिस तरीके से कल तस्वीर सामने आई थी, दंगा हुआ, हाथापाई हुई, अब पहलवानों की रिहाई कर दी गई है। जी नंदी, आपको बता दें कि ये जो पहलवानों को जो धरना प्रदर्शन है वो आपको बता दें कि दोबारा जो पहले जनवरी से शुरू हुआ था, जो कि ख़त्म हो गया था क्योंकि इस पर जो कार्रवाई है वो नहीं सही से हो पा रहा था, वही अब 23 अप्रैल से फिर से दोबारा जो पहलवान है वो धरना प्रदर्शन लगातार जारी कर रखे थे। उनका साफ तौर पर कहना है था कि अगर ब्रजभूषण शरद सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, उनको जेल कारवास नहीं होगा, हम ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं कर देंगे। तमाम उन्होंने इसमें जुनाए निकाले, उन्होंने काला
कपड़ा पट्टी भी बांध कर इस पे उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। उनका उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इस पे सहायता नहीं मिलेगा तो हम विदेश तक इस मोर्चे को लेकर जाएंगे, गाँव तक मोर्चे को लेकर जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री इस पे कोई भी सवाल जवाब करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही आपको बता दें कि पूरे जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, उन्होंने ये जो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस पर कोई फैसला नहीं आता है तो 28 मई को जो संसद भवन नए संसद भवन का उद्घाटन था उस पर वो मार्च निकालने के लिए पहले से ही बोल दिए थे, धरना प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही उन्होंने कह दिया था। आपको बता दें कि कल का जो मामला हुआ 24 घंटे में, एक तरफ जो बीजेपी नरेंद्र मोदी जो है नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जो है जो पहलवान हैं वो पूरे अपने पूरे टीम के साथ लेकर वही खाप पंचायत के जो महिला पंचायत थी वहाँ पे और किसान संगठन तमाम जिस विपक्ष दल है उनके साथ मिलकर कल धरना प्रदर्शन नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बीच में ही जो दिल्ली पुलिस है वो बैरिकेड लगा के उन्हें रोकने का प्रयास किए, लेकिन जो पहलवान थे वो बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई हुआ। अब इन मामलों को लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से कह रही है कि बीजेपी का अब ये दिन आ गया, पुलिस अब ये हो गया है कि जो हमारे पहलवान जो बेटियां हैं जो पहलवान हैं उनसे वो हाथापाई कर रहे हैं, उन पर जुर्म कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम जो बातें हैं वो आ रही है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है वो उन पर FIR दर्ज की, उनका कहना है कि ये काम को रोका जा रहा है, तमाम जो वहाँ के पब्लिक है उनको हानि पहुँचा है। सुहानी देखिए, विनेश फोगाट ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है उस पर FIR दर्ज करने में 7 दिन लगे और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर FIR करने में सिर्फ 7 घंटे लगे। जी बता दें आपको नंदनी कि पहले ही साक्षी मलिक ने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर सही हैं, अगर वो गलत नहीं है तो नार्को टेस्ट करवाएं। वही नार्को टेस्ट की बात जो है वो पूरी तरह से जो ब्रजभूषण शरण सिंह उन्होंने मान लिया था, उनको कहना ये था कि एक शर्त पर हम नार्को टेस्ट कराएंगे, अगर बजरंग पुनिया और तमाम जो वो हैं वो भी नार्को टेस्ट कराए तो ये चीज़ें जो साफ हो गई थी कि ये लाइव नार्को टेस्ट होगा, लेकिन इसमें कोई बात सामने नहीं आई। वही साक्षी मलिक कल का उनका उन्होंने फिर ट्विटर पर एक बात कि हम लोग अगर FIR दर्ज कराने गए तो जो पुलिस यूपी जो दिल्ली पुलिस है वो 7 दिन लगा दी, वही हम अगर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो 7 घंटे नहीं लगा और वो FIR दर्ज करा दी। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है या प्रधानमंत्री मोदी जी हैं आखिर हमें इस पर क्यों नहीं फैसला बता रहे, क्यों नहीं बात करने आ रहे हैं। तो तमाम जो महिलाएँ हैं जो पहलवान महिलाएँ हैं इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रही हैं। वही आपको बता दें कि कल जो दिल्ली पुलिस है वो 700 लोगों को दिल्ली में हिरासत में लिए थे और वही जो पहलवान सहित जो तीनों पहलवान उनके सहित 107 लोगों के हिरासत में लिए थे, लेकिन शाम होते होते जो तीनों महिलाएं पहलवान थे उनको रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब जंतर मंतर पे 144 धारा लागू हो गया है और वहां पे अब कोई भी पहलवान को जाने नहीं दिया जाएगा या किसी को वहां पे जाने का अधिकार नहीं है। तो साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से जंतर मंतर को 144 धारा लगा दी है और उनका कहना है कि अब दोबारा जो पहलवान है वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अब वही देखना ये होगा कि पहलवान आगे अपना क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। उन्हें विपक्ष जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार को बीजेपी को घेर रही है। उनका कहना है कि जब मेडल लेके आती थी पहलवान तब उनके साथ नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते थे, अब उनके जब वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया इस पर, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब किसान 1 साल तक अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे तब भी उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर ये क्यों है कि जब कोई अपने पक्ष के लिए जो अपने हक के लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन दे रहा है तो उस पर मोदी सरकार या केंद्र सरकार उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, ऐसा क्या बात है? वो तमाम जो पहलवान हैं वो इस पर बातें कर रहे हैं कि हमको फैसला चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो कहा जा रहा है कि जो यौन शोषण का जो आरोप लगा है उन पे कार्रवाई हो, अपने इस्तीफा दे और वही उन पे हिरासत में लिया जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। यूपी में विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत आज मतदान जारी है। विधान भवन के तिलक हॉल में विधानसभा के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव ने मतदान कर दिया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके 1 घंटा बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और रात 9 बजे तक उपचुनाव के नतीजे सामने आ सकते हैं। दोनों रिक्त सीटों के लिए 2 अलग अलग मतदान बूथ बनाए गए हैं।
परंपरा तो यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय ना हो। हमारा संविधान ये कहता है और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी, आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती दे करना, नौकरी उन्हें देना, आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, आज एमएलसी के 2 सीटों पर उपचुनाव है, वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान यही कहता है कि पिछड़ों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बीजेपी उनका हक छीन रही है। बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने टक्कर है। जिस तरीके से विधान परिषद की 2 सीटों पर आज ये उपचुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान का प्रयोग किया है। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों पक्ष जो है आमने सामने है, दोनों राजनीतिक दलों ने जो अपना जो अपनी ताकत थी पूरी, उस पूरी ताकत को भी लगा दिया है इस 2 सीटों को जीतने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ जो अभी आ रही थी नंदनी, पूर्व के जो एमएलसी राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा था, वही भारतीय जनता पार्टी ने मानवेंद्र सिंह और पदम सिंह चौधरी को भी टिकट दिया है। तो ऐसे में जो ये मामला था एमएलसी का, जो बनवारी लाल थे उनका निधन हो जाने से सीट खाली हुई थी। उसके बाद एक एमएलसी थे, इनका कार्यकाल 2028 में खत्म होना था लेकिन उनका निधन हो जाने से ये सीट खाली थी। उसके बाद लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। ऐसे में दोनों एमएलसी की सीटें खाली हुई, रिक्त हुई, जिस पर आगे चुनाव चल रहा है। तो अब इसमें जो 403 विधायक है इस चुनाव में अपना वोट डालेंगे, 4 बजे तक वोटिंग होगा, उसके बाद आज ही इसका निष्कर्ष भी निकलेगा, आधी वोटों की गिनती भी होगी। अभी आमने सामने का टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, दोनों की कांटे की टक्कर है, ये देखने वाली बात होगी। शाम तक चुनाव का परिणाम भी घोषित हो जाएगा। रितेश, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई ये सीट जीतना, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पे खरे उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अभी पिछले बार भी अपने पंचवर्षीय में जो पिछली बार चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी ने अपना दम दिखाया लेकिन वो कहीं काबिज नहीं हो पाई। अब इस बार भी जो चुनाव जीता, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की योगी टू की सरकार बनी, फिर भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से जोर शोर अपनाया लेकिन वो कहीं काबिज नहीं हो पाई। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एजेंडों को लेकर के चल रही है और एजेंडों के मुद्दा बना करके और कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही, जिससे वो कहीं ना कहीं 2 बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल किया भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ये 2 विधान परिषद के जो 2 उपचुनाव है इसको भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया है। उनके विधायक भी ज्यादा है जिसको लेकर के ये प्रयास भी लगाया जा रहा है कि वो एमएलसी भी उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ अलग अलग जगहों पर हुई ताजा हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने हिंसा करने वाले 40 उग्रवादियों को मार गिराया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले मणिपुर के कई इलाकों में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। इम्फाल और आसपास के इलाकों में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने दावा किया है कि कुकी समुदाय के उग्रवादियों ने नागरिकों पर हमले किए हैं।
शहर शहर खबर खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।